हाय देयर, ये ENG 301 बिजनेस कम्युनिकेशन की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 12 है। इस लेसन के अंदर आपको बुलेट पॉइंट्स करवाए जाएंगे और ये स्लाइड भी आपसे शेयर की जाएगी। इसमें सबसे पहले है रिकॉग्नाइजिंग इनकरेक्ट वर्ड्स। सो जो पहले ही जो पैराग्राफ है उसके अंदर आप देखेंगे, आ कॉन्फ्रेंस कॉल विल अफोर्ड अस एन अपॉर्चुनिटी टू इंटेरोगेट द न्यूमेरियस रेमुनरेशन प्रपोजल्स एंड कंज्यूमेट द रूमर्स। सो इसमें जो वर्ड्स हैं, स्पेशली जो हाईलाइट हुए हुए वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी जगह सिंपल वर्ड्स का यूज़ जो है वो किया जा सकता है। और उसके बाद फिर आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक यू फॉर अरेंजिंग टू सेंड मी अ कंप्यूटर डैट इज़ एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द वन इन माई ऑफिस। दिस लेटर इज़ टू एक्नॉलेज रिसिप्ट ऑफ एंड थैंक यू फॉर योर चेक नंबर 389939 इन द अमाउंट ऑफ ₹1000। और ये जो इतना बड़ा सा यहाँ पर लिखा हुआ है एक पैराग्राफ, सो इसको शॉर्ट किया जा सकता है, इसको शॉर्टली भी कंसाइसली तौर पे बताया जा सकता है, इतना बड़ा यहाँ लिखना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद VF 30 रिजर्वेशंस एट द प्रेजेंट राइटिंग, सो आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ सेंडिंग यू एन अपडेटेड लिस्ट। यहाँ पर भी सिंपल वर्ड का यूज़ किया जा सकता है। और उसके बाद है बिटवीन यू एंड आई शी हैज़ अ लॉन्ग वेज टू गो टू बी एंड स्टेट एजेंट इरेगार्डलेस ऑफ द पर्सन विच यू सिलेक्ट। आई एम रियल प्लीज विद द कैंडिडेट्स, आई डोंट हैव बट टू पेयर ऑफ शूज। अब यहाँ पर तो मिस्टेक्स हैं कई सारी जिनको करेक्ट करके नीचे बताया जा रहा है आपके सामने यहाँ पर है। सो शुरुआत इसकी हो रही है बिटवीन यू एंड मी, असल में जो करेक्ट है वो यू एंड मी है, और जबकि ऊपर आप देखें तो यू एंड आई लिखा हुआ है। शी हैज़ अ लॉन्ग वे, लॉन्ग वे है वहाँ पर, लॉन्ग वेज है यहाँ पर, लॉन्ग वे। शी हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो टू बी एंड स्टेट एजेंट रिगार्डलेस ऑफ द पर्सन हु सिलेक्ट यू। सो यहाँ पर अब रिगार्डलेस आएगा, इररिगार्डलेस लिखा हुआ पर आप देखें जब फिर रिगार्डलेस है ऑफ द पर्सन हु सिलेक्ट यू। आई एम रियली प्लीज्ड, वहाँ पर आई एम रियल प्लीज लिखा जबकि आई एम रियली प्लीज्ड है विद द कैंडिडेट। सो इस तरह से मिस्टेक जो है वो करेक्ट की गई है। सो अब एक लेटर की एग्जाम्पल है, हाई और डियर मिस्टर इमरान, थैंक्स और थैंक यू फॉर योर रिसेंट लेटर, वी आर हैप्पी और प्लीज टू हेयर डैट यू आर इंटरेस्ट इन मार्केटिंग अवर रेंज ऑफ चिल्ड्रन गारमेंट्स, बट और हाउ एवर बिफोर वी मेक एनी फर्म डिसीजन मेकअप ऑफ अवर मेकअप अवर माइंड, वी वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू वुड प्रोवाइड अस विद और गिव अस फर्दर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग और अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर फर्म, द टेरिटोरी इट कवर्स, द नंबर ऑफ रिटेल आउट लेट्स एंड योर मार्केट शेयर यू वुड हैव टू गेट अस, और वी वुड एक्सपेक्ट अ मिनिमम टर्नओवर ऑफ 6 लाख बिफोर बींग इन अ पोजिशन टू, और वी कुड ऑफर यू एन एजेंसी, वी वुड वॉन्ट टू गेट और वी वुड विश टू अचीव अ मार्केट शेयर ऑफ एटलीस्ट 10% इन द फर्स्ट 2 ईयर्स। सो यहाँ पर जो है वो राइटर जो है वो एक्सप्रेस करता है ग्रेटिट्यूड मिस्टर इमरान का जो इंटरेस्ट है मार्केट टिंग के अंदर, उनकी जो रेंज ऑफ चिल्ड्रन गारमेंट है, लेकिन रिक्वेस्ट करता है फर्दर इंफॉर्मेशन उनकी फर्म्स की ऑर्गेनाइजेशन, टेरिटोरी, रिटेल आउटलेट और जो मार्केट शेयर है बिफोर मेकिंग अ फर्म, एंड दे स्टेट दैट मिनिमम टर्नओवर जो है 6000 का एक्सपेक्टेड होगा ऑफर करने से पहले एक एजेंसी, और एम फॉर अ मार्केट शेयर ऑफ एटलीस्ट 10% इन फर्स्ट 2 ईयर्स। उसके बाद है फिर एनी वे और दिस सेट यू इफ़ यू फील योर फर्म इज एबल टू मीट दिस टारगेट इट वुड बी नाइस और इट वुड बी यूजफुल टू अरेंज एन अपॉइंटमेंट टू हैव अ चैट अबाउट और डिस्कस द प्रोजेक्ट इन अ बिट मोर डिटेल फर्दर। आई विल बी इन इंग्लिश फ्रॉम 5 to 12 May एंड सजेस्ट वी मीट और गेट टुगेदर, दैन इफ दिस इज कन्वीनियंट और ओके प्लीज कन्फर्म विद माई सेक्रेटरी if this is all right or satisfactory, I look forward to hearing from you in the near future or hope to get a letter from you soon, yours sincerely or all the best. So writer suggest karta hai ki agar recipient jo hai firm pura kar sake jo certain targets hain, so they could arrange a meeting discuss karne ke liye further project, aur writer jo hai wo available honge 5 to 12 May and ask the recipient
ये कंफर्म करें उनके सेक्रेटरी के साथ अगर ये कन्वीनियंट है, एंड राइटर लुक्स फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम द रिसिपिएंट सून। सो इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन ग्लोबलाइजेशन। सो ग्लोबलाइजेशन जो है प्रोसेस है इंटरनेशनल और इंटीग्रेशन का, जो कि एक तरह से रिजल्ट है किससे, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट आइडियाज़ और जो दूसरे एस्पेक्ट हैं कल्चर के डिफरेंट कंट्रीज़ के दरमियान। सो कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कल्चर क्या है, कल्चर से मुराद शेयर्ड वैल्यूज़ बिलीव्स कस्टम्स बिहेवियर और आर्टिफैक्ट्स जो कि करेक्टराइज करते हैं एक ग्रुप या सोसाइटी को। और उसके बाद है फिर इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन आ मॉडल। सो मेजर कल्चरल जो ओवरलैप है उससे मुराद सिमिलरिटीज़ होती हैं कल्चरल प्रैक्टिस में दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के दरमियान, और इसके अंदर शामिल हो सकता है शेयर करना सेम लैंग्वेज, सिमिलर ड्रेस स्टाइल, या फिर यूज़ करना कॉमन फॉर्म ऑफ एड्रेस। फॉर एग्ज़ाम्पल दो कंट्रीज़ जो कि वहाँ पर बोली जाती है सेम लैंग्वेज, वहाँ पर जो है वो सिमिलर कस्टम भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्रीटिंग करना एक दूसरे को हैंडशेक के साथ। और ये सिमिलैरिटीज़ जो होती हैं ये इजियर करती हैं इंडिविजुअल्स के लिए और बिजनेसेस के लिए कि नेविगेट करें डिफरेंट कल्चर्स और इस्टेब्लिश करें रिलेशनशिप। सो जो कोर सिमिलैरिटीज़ होती हैं इससे मुराद बेसिक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कॉमन हैं तमाम इंडिविजुअल्स के लिए रिगार्डलेस के उनकी जो रेस है यानी कि नस्ल है या फिर जो कल्चरल बैकग्राउंड है। और इन सिमिलैरिटीज़ में इंक्लूड है शामिल है फिज़िकल और ऑटो एनाटॉमिकल ट्रेट्स, जैसे कि स्ट्रक्चर जो है हमारी बॉडीज़ का वो, एज वेल एज जो बिहेवियर है और जो इमोशन है कॉमन है जो कि तमाम ह्यूमन बींग्स के लिए, जैसे कि वॉकिंग है, कम्युनिकेटिंग है और एक्सपीरियंसिंग करना फीलिंग्स को, जैसे कि लव जॉय और सैडनेस वगैरह। सो रिकग्नाइज करते हुए इन कोर सिमिलैरिटीज़ को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं यूनिवर्सैलिटी जो है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की, एंड डेवलप करना एक ग्रेटर सेंस जो है एम्पैथी का और अंडरस्टैंडिंग का दूसरों की तरफ रिगार्डलेस के उनका कल्चर या जो एथनिक बैकग्राउंड है। सो एक कंट्री को अगर हम दूसरे कंट्री से कंपेयर करें स्पेशली जो नाइबर कंट्रीज़ होते हैं, सो वहाँ पर कल्चरल ओवरलैप ज़रूर होता है, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेम होती हैं। सो दो कंट्रीज़ जो है वहाँ पर सेम लैंग्वेजेस भी हो सकती हैं और इसके साथ साथ उनका जो ड्रेस है वो भी सेम हो सकता है, ड्रेस का स्टाइल वगैरह वहाँ का सेम भी हो सकता है। सो कई सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर सिमिलैरिटीज़ जो है वो पाई जाती है, स्पेशली जो नाइबर कंट्रीज़ होते हैं वहाँ पर इस तरह की सिमिलैरिटीज़ देखने में आती हैं कि लैंग्वेज भी वहाँ की सेम है और उनका जो ड्रेस का स्टाइल है वगैरह है वो भी सेम जो है होता है। सो उसके बाद फिर एन इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन मॉडल। सो कुछ कल्चरल और नेशनल वेरिएबल्स हैं जिसके अंदर एजुकेशन शामिल है, रेगुलेशन है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिक्स है, सोशल है, नॉर्म्स है और लैंग्वेज है। तो ये था आज का लेसन। आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कीजिए, इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और ये स्लाइड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।